हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मिनी हैंड वॉशिंग मशीन। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मिनी हैंड वॉशिंग मशीन। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। और इसको मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन पे, तो प्लीज़ मेरा वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसका लिंक मैं दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है और इसका जो पैकेटिंग है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे इसका कंपनी का नेम भी यहाँ पे डाला हुआ है। और ये जो पैकेटिंग है बहुत ही अच्छा है, और ये जो डिवाइस है बहुत ही हैंडी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइस का तस्वीर यहाँ पे दिया है, मेड इन इंडिया है, ठीक है। और इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इंडिया मार्ट, बहुत तीनों जगह पे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस डिवाइस का 1 ईयर वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको रजिस्टर करना होगा और ऑन साइट पे जाके आप इसको मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर वारंटी को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है डिवाइस। और फ्रेंड्स, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। और ऊपर में आपको ये इसको कैसे यूज़ किया जाते हैं, देखिए हाउ टू यूज़ यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे तस्वीर भी दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे अराउंड 35 लीटर्स यहाँ पे आपको बकेट लेना है, उसमें पानी डालना है और यहाँ पे डिवाइस को अटैच करना है, और यहाँ पे पानी डालना है एक मिनिमम लेवल तक, और उसके बाद इसको ऑन करना है बस। और फ्रेंड्स, बॉक्स का साइड पे यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। ये आपका 7 कलर वेरिएंट पे आपको मिल जाते हैं, और ऊपर पे टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसका स्विच है, यहाँ पे स्विच जो है वो वाटरप्रूफ है, डायमेंशन है इसका, और मटेरियल यहाँ पे नायलॉन 6 है, और सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पे, और उसका जो वाटेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 350। इसका पावर कॉर्ड 3 मीटर तक यहाँ पे पावर कॉर्ड दिया है, और इसका जो मोटर का स्पीड है RPM है वो 1000 RPM है, और इसका कैपेसिटी यहाँ पे 2 kg से, मतलब यहाँ पे कपड़ा और आपका पानी मिला के यहाँ पे 2 kg तक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका जो वेट है, जो डिवाइस का वेट है 2.3 kg है, और इसका कंफर्टेबल बकेट साइज यहाँ पे 18 लीटर टू 40 लीटर, तो ये आप बकेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं डिवाइस के साथ तो देख लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल, गाइड और वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वारंटी कार्ड है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मिलते हैं, और कुछ भी नहीं है। और इसका जो पैकेटिंग है, पैकेटिंग बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ पे आया है, और डिवाइस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेटी है, क्योंकि फ्रेंड्स 2.3 kg इसका वेट है, तो बहुत ही वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैवी वेटेड है, और यहाँ पे मोटर का जो स्पिन होगा, स्पिनिंग का जो सेक्शन होते हैं, और यहाँ पे मोटर है, और यहाँ पे फुल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है ये पे मोटर कॉपर वेल्डिंग है, और यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे कुछ लिखा है कि रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने से आपका सर्विस वारंटी आपको होम पे मिल सकते हैं, और यहाँ पे अर्थिंग आपका होम पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जिस बोर्ड पे आप यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो वो बोर्ड पे अर्थिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपका अर्थिंग ठीक ठाक नहीं है आपको लगता है, तो प्लीज़ इसको पहले ठीक कर लीजिए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे आपका वाटरप्रूफ स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑन ऑफ स्विच, जो पावर स्विच आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड मिल जाते हैं जो 30 मीटर यहाँ पे लॉन्ग हैं, तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होगा आपको, आप डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, मतलब प्लग पे लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने यहाँ पे देखिए पोर्टेबल वॉशिंग मशीन 1 ईयर वारंटी, मेड इन इंडिया, बहुत ही अच्छा है, मेड इन इंडिया है। और यहाँ पे आपका मिनिमम वाटर लेवल आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, आपको जब भी पानी डालना है तो इस लेवल से ऊपर अगर आपका जाते हैं तो प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको मतलब इसी लेवल तक आपको यहाँ पे पानी को यहाँ पे डालना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको कैसे यूज़ किया जाते हैं इसका फुल डेमो आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं पॉकेट लिया हूँ और यहाँ पे इसको अटैच करने वाला हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे क्लिप है, तो यहाँ से आपको इसको अटैच करना होगा, उसके बाद यहाँ पे पानी डालना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मिनिमम वाटर लेवल तक जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे एरो मार्क ब्लू कलर का, तो इस तक आपको यहाँ पे पानी को डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी मैं ये लेवल तक यहाँ पे डाला हूँ, और अभी मैं यहाँ पे 3 चम्मच यहाँ पे डिटर्जेंट डाल रहा हूँ। तो आपका हिसाब से आप यहाँ पे आपका कपड़ा का हिसाब से और पानी के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे पावर कॉर्ड को लगा देता हूँ,
और स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे घूमना चालू हो चुका है। तो इसको बंद कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पे कपड़े डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 3-4-5 कपड़े यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अभी इसको ऑन कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे घूमना चालू हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे धुलाई हो रहे हैं, वॉश हो रहे हैं। और यहाँ पे कपड़ा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा की कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे घूम रहा है। बस 2 मिनट आपको यहाँ पे रखना है और 2 मिनट के बाद आपको इसको बंद कर देना है। 2 मिनट या 3 मिनट आप कपड़ा के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पूरा काला हो चुका है। तो अभी इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे और ये जो डिवाइस है डिवाइस को यहाँ से उठा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे और एक बाकेट लिया हूँ मैं और यहाँ पे फ्रेश पानी लिया हूँ और जितना सारा कपड़ा है उसको मैं और एक बार यहाँ पे वॉश कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पे जितना सारा डिटर्जेंट है और डिटर्जेंट यहाँ पे कपड़े पे रह जाए। तो इसके लिए डिटर्जेंट को वॉश करने के लिए आपको और एक बार फ्रेश पानी लेना होगा। तो आप यहाँ पे भी आप ये जो मशीन है इसको यूज़ कर सकते हैं और एक बार दूसरा बकेट पे तो आप कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो डिवाइस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हैंडी है। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसका प्राइस के हिसाब से ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरा वीडियो कर लीजिए कमेंट बॉक्स से, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।